हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और देख लीजिए, मैं ना पार्लर गई थी, वो आपको दिख रहा है सामने पीछे, तो वहाँ गई थी मैं पार्लर आईब्रो बनवाने के लिए। तो आईब्रो वगैरह बन गई है मेरी, लाल हो गया है ये, टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स, पार्लर जाने का भी टाइम नहीं मिलता है। और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ जस्ट सामने यहाँ पर देख लीजिए, ये मंदिर है, बंद पड़ा है यहाँ पर। और मैं दिखाती हूँ, और नहाया था, सर भी धोया था, गीले हो गए बाल, मतलब सूख गए गीले थे। और यहाँ पर कुछ हो रहा है, और ये शनि मंदिर है, शनि देव। और मंदिर का देख लीजिए, दो गेट है, एक ये रहा, एक वो, ये नया अभी बन रहा है, ये देखो। और ये छोटा सा मंदिर है, और मैं तो आपको बता देती हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। ये ऐसी गली है, ज्यादा दूर नहीं है, बस ये वाली गली, और हमें ये वाली गली पार करनी होती है, ज्यादा दूर नहीं है सब कुछ। और यहाँ देखो, ये नई दुकान खुली हुई है यहाँ पे, ये बस यहाँ से हमको मुड़ जाना है, ये हमारा मेन रास्ता आ गया। और ये है हमारी गली, यहाँ पे मैं रहती हूँ, बस जस्ट आगे वाला फ्लोर ही हमारा है। ये आ गया हमारा घर, तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है, क्या है ये है कड़ी, जो कि मैंने अभी इसको छौंकी है, और सिंपल तरीके से ही बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि ना लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, और आज मैं थक गई थी। और सबसे आसान ना मुझे यही लगता है कड़ी, और ये, और इधर बन गया है हमारा चावल, और इधर कड़ी पक रही है। चावल तो फटाफट से बन जाता है क्योंकि कुकर में होता है, और ये अभी छौंकी है मैंने, इसको थोड़ा सा लगेगा टाइम। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ही है, और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और इस पतीले में है, ये देख लीजिए, ये देखो रसगुल्ले, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाए थे अपने हाथों से। और यहाँ पर बर्तन है कुछ, ये पानी भर के आरोस में करा था मैंने, ये साफ है, इसको लगाना है मुझे रैक में, और धूल्हे भी बनानी नहीं आती। वैसे तो ये बिना, ऐसी सिंपल सी है, मतलब बिना पकोड़े वाली कड़ी, क्योंकि बेसन भी हमारे पास कमी था, तो फिर मैंने सोचा कि पकोड़े ना बना के ना सिर्फ हम ऐसे ही बना लेते हैं सिंपल सी। देखो अभी ये बहुत पतली है ना, जैसे जैसे ये पकेगी ना, जैसे जैसे पकेगी ये गाढ़ी होती जाएगी फ्रेंड्स। और क्या बताऊं आपको, आप तो ऐसे इतनी समझदार हैं, आप कह रहे होगे ये कोई बताने वाली चीज है। अगर फ्रेंड्स, आज मैं पार्लर गई थी, तो फ्रेंड्स कड़ी को हम पकने देते हैं, वो पक रही है, उसको छोंक दिया है मैंने, और मैंने आपको दिखाया ही
पार्लर गई थी मैं, क्योंकि पार्लर वाली के पास ना मेरे पैसे भी पड़े हुए थे और 20 से 30 हो गए फ्रेंड। पार्लर में भी महंगा हो गया है, 10 रुपया बढ़ गया है और मेरे पैसे उसके पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा जाऊं बनवा लाऊं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था करवा चौथ से। एक दिन पहले ही गई थी मैं आईब्रो वगैरह बनवाने गई थी। और तो फ्रेंड्स आपको पता ही है मेरा छोटा सा बच्चा है ना, मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे लोग इतना मेहंदी लगवाते हैं पार्लर में, पूरा फेशियल और मतलब आपको पता ही है क्या क्या करवाते हैं, और मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं सिर्फ आईब्रो बनवाती हूँ। तो मेरे ना थोड़े से पैसे वहाँ पे थे उनके पास, पहले जब गई थी ना मैं करवा चौथ से पहले, तो उनके पास ना खुले नहीं थे, तो उन्होंने बोला बाद में आके ले जाना। तो फिर मैंने भी उनको बोला दीदी ठीक है मैं बाद में ले जाऊंगी, फिर बाद में जाने का समय नहीं मिला मुझे, उसके बाद फिर भूल भी गई थी मैं। फिर गई मैं बनवाई आई, और ज़्यादा नहीं है मेरी आईब्रो, ऐसी हल्की है, एक्स्ट्रा ही निकाली है। और था गई फ्रेंड्स, और मैं बता देती हूँ, उसके बाद आने के बाद मैंने बनाई थी, आई थी मैं वहाँ से चाय बनाई थी, और फिर उसके बाद हम गए थे मार्केट, वहाँ से मुझे लाना था एक डब्बा, बड़ा डब्बा, वो होता नहीं ड्रम टाइप होता है वो पानी वाला, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पानी की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मीठे पानी की। तो आता है सुबह शाम आता है, बस भर के रखना पड़ता है उसको, और नहीं तो, और खारे पानी से तो आपको पता ही है फ्रेंड्स चेहरा ख़राब हो जाता है, और बाल भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग बाल वगैरह और फेस वगैरह ना हम लोग मीठे पानी से ही धोते हैं, बच्चों को मीठे पानी से नहलाती हूँ, तो इसलिए ना डब्बे हैंगे मेरे पास कम पड़ जाता है उसमें, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ले लेती हूँ, नहीं तो बच्चों के, मेरी बेटियाँ हैं दो, बाल फ्रेंड्स खारे पानी से नहाने से ना बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी, ये कोई नहीं चाहेगा फ्रेंड्स कि मेरे बच्चे के बाल सफ़ेद हो गए। गई थी फ्रेंड्स, मुझे मिला नहीं, मिला था मगर वो ना वो बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे थे, इतना बजट नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम ना नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। और फिर बस यही करते करते फ्रेंड्स थक गई हूँ, ठंड का मौसम है आपको भी पता है, बस कड़ी छोंक दी है बिना पकौड़े वाली, कभी कभी ऐसे भी खाना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे भी अच्छा लगता है। और चावल बन गया है, कड़ी बन जाए और फिर मैं बना लूँगी आटा गूंद के रोटी, फिर मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद खाना वाना खा के रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मुझे करना है किचन की सफाई, और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, क्योंकि फ्रेंड बहुत दिन हो गया था मैं ना शेयर कर ही नहीं पा रही। ये देख लो मैंने देखा ही नहीं, मैं यहाँ खाना बनाने में लगी पड़ी हूँ, और मेरी जो बेटी है ना बड़ी वाली, ये देखो ये बेड पे कितना फैला रखा है, वैसे बेड पे तो कंबल, ठंड का समय है ना ये फैला ही रहता है, मगर सिर्फ कंबल फैला रहता है, मगर मेरी बेटी ने ना खिलौने, ये देखो चाय के कप भी वहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि ना मैं अंदर ना आई नहीं, समय नहीं मिला मुझे। और 8 बज गया है, समय हो रहा है मेरी सास को खाना देने का, और मेरी कड़ी अभी तक बनी नहीं है फ्रेंड, और लेट हो गया, मैं क्या करूं फ्रेंड्स, उनको दवाई खानी होती है। तो चलते हैं अपनी जल्दी से कड़ी, फटाफट से गैस तेज करके बना लेते हैं, और मिलती हूँ मैं बाद में, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, और मेरे चैनल को शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो फ्रेंड्स आपसे बातें करते करते मेरी कड़ी उबल गई थी, और ये पीछे मेरा किचन है, जो कि मैंने छोटा सा ही किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे ही सजा रखा है, जैसे नीचे बड़े डब्बे हो गए ऊपर छोटे डब्बे हो गए, ऐसे ही मैंने लगा रखा है। आज ऐसे कर रही हूँ, देखो कब टाइम आता है मेरा भी बड़ा किचन थोड़ा सा होगा, क्योंकि सबको, जो लेडीज है ना सबको शौक होता है कि थोड़ा बड़ा किचन हो, स्पेस अच्छा हो, मैं अपनी किचन को अच्छे से सजाऊं। और फ्रेंड्स बच्चों को पढ़ाना भी होता है, थक जाती हूँ, ताकत ना रही नहीं गई पहले जैसी, ऐसी है।
और मैं क्या बोलूँ, आई होप कि आप सब मुझे समझ रहे होंगे। और वो देख लीजिए पीछे मेरी बेटी दिख रही है, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब